फिर ब्लॉक का 13 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, बेसिक बेरिलियम एसीटेट, तीन रिएक्शन अलग से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीईओ और बीए ट्वाइस। रिएक्ट्स विद, अगर ये एसिटिक एसिड से रिएक्शन होता है। ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है। ये मैं तीन रिएक्शंस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब ये जो कि थोड़ा और इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ अगर आईआईटी पूछा तो। वैसे एनसीईआरटी में दिया सर नहीं ये। ठीक है, सर, आप वो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड हाँ भेजने बोलो। वाले थे, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड हाँ, भेजने वो तुम वाले लोग का थे। वो, हाँ हाँ वो प्रिपेयर कर रहा हूँ वो। हाँ हाँ वो भेज दूंगा मैं, तो वो प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, मतलब एक साथ नहीं है ना, तो मैं थोड़ा जितने हैं एक साथ वो पूरा करके भेज दूंगा, मुझे मालूम है वो काम करना है। ठीक है, वो तुम लोग को मिल जाएगा, वो सर जितना ये कौन कौन जो, सॉल्यूबल है। सर ये वही है ना जो टेट्राहीड्रल वाला अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है? हाँ, ये वाला चल है, तो इसको थोड़ा लिख लो। ठीक है, तो इसको नाम याद रखना, इसको बेसिक बेरिलियम एसिटेट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अजीब है यार, इसका स्ट्रक्चर रुको, ठीक है, बेसिक बेरिलियम एसिटेट यहां तक नोट कर लिया सब लोग? इसका स्ट्रक्चर थोड़ा नोट कर लो, वो मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। हाँ बोलो, सर हाँ आपने एक बोलो। रिएक्शन लिखा है था, आपने एक रिएक्शन लिखा है था सोडियम ऑक्साइड को जब 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तब Na प्लस हाँ सोडियम परऑक्साइड हाँ बनता है, तो उसको हाँ आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन बोला था, बट वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है शायद। कौन सा, कहाँ पर मैंने Na कौन सा रिएक्शन भेजना, हो सकता है गलत, देखना सोडियम पड़ेगा एक बार। ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को रुको रुको, अच्छा ये स्ट्रक्चर है बेसिक बेरिलियम एसिटेट का, सबको दिख रहा है? रुको, वो देखता हूँ वो डिस्प्रोपोर्शन, इसे भेजना ना मुझे। रुको, मैं देखता हूँ ना, ये सब लोग नोट कर लो इसको या आपको स्ट्रक्चर। हाँ बोलो, ड्रॉ मैं करना चेंज कर स्ट्रक्चर लेता ड्रॉ हूँ। नहीं, इसके बारे में देखो खास बातें ये है, एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसको देख लो। ऑक्सीजन बीच में है, सिंपल है ना, मतलब बेसिकली तुमको एक टेट्राहेड्रॉन पहले बनाना है। ठीक है, ऑक्सीजन बीच में रहेगा तो पहले तो इनको जोड़ देना है, और देखो सी और एसीटेट आयन क्या होगा, ओ माइनस और ओ माइनस यहाँ रहेगा, तो इधर इधर बॉन्ड बनाते रहना है हर जगह, सिंपल है ये वाला काम करना, समझा? हर के साथ देखो एक लिंक है, हर बेरिलियम के साथ पहले तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, हटा रहा हूं इसको, ये समझा क्या है? ऑक्सीजन बीच में और हर बेरिलियम और दो बेरिलियम के बीच में एक ब्रिजिंग एसिटेट आयन, हर के बीच में एसिटेट आयन ये है ना, CH3CO-, O-, रेजोनेंस वाला रहेगा ऐसे, तो इसके साथ भी बेरिलियम, इसके साथ भी बेरिलियम, हर दो के साथ, और बीच में इस कनेक्टिंग लिंक एक तो ऑक्सीजन सबके साथ है।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ठीक है, और उसी में एक याद रखना, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट भी एक याद रखना, BeCl2 N2H4 प्लस 7H2, ये एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर ये बनता है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर है बेसिक बेरिलियम एसिटेट, बस इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर कौन सा ब्रिज था CH3CO- का, यहां पर ब्रिज है नाइट्रेटो का, मतलब बेसिकली ये ब्रिज, जैसे इसका भी दिखा देता हूं, हाँ वो देखता हूं डिसोसिएशन, देखो इसका भी दिखा देता हूं, ये हटा रहा हूं, ठीक है, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट वाला, एक सेकेंड रुको ना उसको दिखा देता हूं मैं, पर दिखाता हूं फिर लिखा दूंगा, ये वाला है ये, मतलब तुमको बस रिएक्शन लिखना है, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही लिख दिया, रिएक्शन बस कॉपी कर लो, BeCl2 प्लस 7H2O प्लस N2O4, ठीक है, ये देगा Be4, बाकी तो लिखा दिया था, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है कि इसमें कौन इसका स्ट्रक्चर कौन सा ब्रिज कंटेन करता है ये वाला, अच्छा ध्यान दे रहे हो यहां पर क्या है, यहां पर बस यहां पर एसिटेट में क्या आ गया था, कार्बन था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था और मिथाइल था, यहां पर बस नाइट्रेट आयन, याद है ना कैसा होता है, यहां पर ये यही लिख लो, हमेशा यही लिखना है बस, प्रीवियस पेज लिखने का जरूरत नहीं, इसी को कॉपी कर लो, मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया, उसमें बस मैंने लिखा था लाइन कि इट कंटेन्स एनो ब्रिजेस, तो स्ट्रक्चर में दिख ही रहा है, ये समझा कैसे है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम, हटा दो, सिंपल सा काम क्या करना है, बेरिलियम को चार टेट्राहेड्रन में एक ऑक्सीजन सबके साथ जोड़ दो पहले ब्रिजिंग वाला, उसके बाद बस नाइट्रेट आयन को जोड़ देना, हटा रहा हूं, ठीक है, अच्छा और एक ये भी चीज लिख लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम का हम लोगों ने नहीं किया था, पोटेशियम का एक्सट्रैक्शन ऐसे किया जाता है,
NaCl प्लस पोटेशियम, सॉरी सर वो ब्रिजेस के बाद क्या लिखा था? उसके बाद ब्रिजेस, नाइट्रेटो ब्रिजेस है बस। नाइट्रेटो ब्रिजेस फिर कोई कंपाउंड का? अरे नहीं, वो नाइट्रेटो ब्रिज ये था बस। इट कंटेन्स नाइट्रेटो ब्रिजेस, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम का भी एक्सट्रैक्शन थोड़ा देखो, बहुत ज्यादा अजीब सा बात है। इस रिएक्शन से कराते हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, इसमें कौन सा बात है बताओ, इसमें कौन सा अजीब सा बात दिख रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, के प्लस है कि एन ए प्लस है? के प्लस। के प्लस है ना, लेकिन तुमने के प्लस को रिप्लेस कर दिया है एन ए प्लस से। तो यहां पर इसके बारे में याद रखना, एट सच हाई टेम्परेचर, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, एट सच हाई टेम्परेचर 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम इज वेपर, गैस रहता है, ठीक है। इनफैक्ट, और पोटेशियम अगर वेपर है तो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, जैसे ऐसे बनता है ना, सिस्टम रिमूव होगा तो क्या होगा? लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से ये समझा सब लोग, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम का यही करते हैं हम लोग। चलिए, तीन लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक में चलते हैं। सर अब हाँ बोलो, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला बता दो। हाँ रुको रुको, देख लो देख लो, ना ना ये डिस्प्रोपोर्शन तो नहीं लग रहा, सही बात है, लिखा दिया था क्या? Na2O2 जो है Na2 का प्लस प्लस वन, ये कितना, कौन से स्टेट में है ये? प्लस वन, जीरो जा रहा है, ना ना नहीं है ना, नहीं 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 ना। Na का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? इसका हो जाएगा Na2O2 ना, O2 है पेरोक्साइड, प्लस वन ही होगा, टू प्लस वन, नहीं नहीं यार गलत है, गलत, चलो इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। हाँ बोलो, आप कुछ कॉमन पैरा मैग्नेटिक या डाई मैग्नेटिक वाले गैसेस का नाम बताएंगे क्या? क्योंकि इस बार TWT में आया था कि ये केमिकल बॉन्डिंग ये सब, जैसे पैरामैटिक में कौन कौन होते हैं, NO होता है, CLO2 होता है, NO2 होता है, OF होता है, KO2 गैसियस नहीं है बट पैरामैग्नेटिक होता है, ऐसे इतना ही है यार पैरामैग्नेटिक वाले, और याद तो नहीं आ रहा है इसमें से। हाँ O2 है, हाँ O2 पैरामैग्नेटिक है, ठीक है।
चलो चलते हैं पी ब्लॉक में। कैसा गया तुम लोग का टेस्ट? अच्छा ठीक है। अच्छा ये ग्रुप 13 का फैमिली इंटीजर टाइप में ये टफ था थोड़ा सा। इंटीजर टाइप में था, कितने पैरामैटिक हैं? ओके मतलब उसी के क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे करने में, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और एच वाले, मतलब वो सबके रिएक्शंस लिखने के लिए। ओके ओके ओके, सीखा तो नहीं है पेपर, पता नहीं कैसा, लेकिन वही है, यही सब है देखो। अच्छा ग्रुप 13 में बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। अच्छा इसमें एक चीज बता दूंगा, ऐसे तो सभी पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है ऐसे, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट में भी पूछोगे कौन सा, तो ग्रुप 13 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। इसमें थोड़ा आराम से जाऊंगा भी, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा दूंगा बिकॉज इसमें आईटी बहुत पूछा है। ठीक है ग्रुप 13 ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, बट ग्रुप 13 को अगर इंपॉर्टेंट भी बोला जाए तो मैं इसको बोलूंगा। और थोड़ा सा बहुत ही हेट्रोजेनस फैमिली है, मतलब थोड़ी चीजें भी याद रखनी। ठीक है तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 13 में बोरॉन एल्यूमिनियम वाला हर चीज को। बोरॉन थोड़ा क्या है, नॉन मेटल। ठीक है और इसके कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। ठीक है बोरॉन के बाकी नीचे मेटालिक कैरेक्टर है। आगे चलने से पहले हम लोग थोड़ा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इन सब का? NH2 NP1 ये भी ठीक है। अच्छा चलो डेंसिटी लिख लेते हैं, ये सब चाहे याद ही रखना पड़ेगा। डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है सब बोरॉन का आपने वो एक ही लाइन बोला ना, कि उसका और भी कुछ बोला? हाँ हाँ वो नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम तो थोड़ा मेटल ही बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत उसके प्रॉपर्टीज को डिबेट चल रहा है बिकॉज वो थोड़ा सा एम्फोटेरिक बनाता है तो मेटल नॉन मेटल, लेकिन बाकी सब मेटल ही जनरली कैटेगरी में आता है। ठीक है बोरॉन नॉन मेटल है, लेकिन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है ये याद रखना। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट सर, गैलियम नॉन मेटल मेटलॉइड है ना? हाँ एल्यूमिनियम पे थोड़ा एल ना, मतलब मेटलॉइड नहीं, उसको मेटल ही की तरफ ज्यादा है वो, इसलिए इसको मैंने लिखाया नहीं। कौन सा? नहीं नहीं उन दोनों पर थोड़ा ये है, गैलियम का भी वही है, जनरली मेटल्स ही में उन लोगों को बोला जाता है। ठीक है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जनरली कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं? +3 और +1 भी कोई कोई करता है, जैसे +1 आगे अभी बताएंगे इनर्ट पे रिफ्लेक्ट, जैसे कौन शो करता है? थैलियम। ठीक है ना थैलियम +1 शो करता है, +3 तो सब शो करते ही हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात ये याद ही रखना है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम देन इंक्रीजेस। इन्फॉर्मेशन है याद रखना। ठीक है अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक बार देख लेते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बोरॉन, ठीक है
बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, डिग्रीज। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट तो बता ही दिया, डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें एक चीज लिखे ना, बोरॉन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का डेटा देता हूं, exists as giant covalent polymer. melting point का डेटा भी लिखी लो, सबसे ज्यादा तो बोरॉन है। ठीक है, हाँ बोलो। बाकी फेजेस में बोरॉन नहीं है क्या सबसे ऊपर? हाँ बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का ही है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मेल्टिंग पॉइंट किसका? वेपर फेज वगैरह में। कौन सा, किसमें? वेपर फेज में। नहीं नहीं वेपर फेज में भी उसी का। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ऊपर बोरॉन है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद थैलियम आ जाता है, उसके बाद इंडियम, और उसके बाद गैलियम, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लो। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट देखो, एग्जैक्टली डेटा देख सकता हूँ। हाँ गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, गैलियम का बहुत अजीब सा बात है, देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इतना कम, मेल्टिंग पॉइंट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सब नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, तो गैलियम के बारे में थोड़ा ये, अच्छा एक और चीज लिख लो यहीं पर, गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मिथ। जब इनको सॉलिडिफाई किया जाता है तो एक्सपैंड करते हैं, सब नॉर्मल बिहेवियर है, जबकि सॉलिड में क्या होना चाहिए और पास होना चाहिए, बट थोड़ा इनका भी प्रॉब्लम सॉलिडिफिकेशन वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। चलो आयनाइजेशन एनर्जी सबको याद है क्या, बताओ मुझे क्या होगा आंसर, किसको याद आ रहा है? बोरॉन उसके बाद, बोल नहीं रहे हो, मालूम है?
बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी याद रखना, बोरॉन है फिर सीधा थैलियम आ जाता है, ठीक है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। एटॉमिक रेडियस में याद है क्या एक्सेप्शन था? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, गैलियम है, वो भी याद रखना, सब बता नहीं रहा हूं, सब पहले कर चुके हो। सबसे पहले थैलियम तो है, इंडियम है, उसके बाद गैलियम होना चाहिए था लेकिन गैलियम नहीं है। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, मैं सिर्फ की पॉइंट निकाल दे रहा हूं, शील्डिंग इफेक्ट। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जैसे थैलियम का 170 है और इंडियम का 168 है, ऑलमोस्ट सेम ही है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा डिटेल में एक बार स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भी मालूम होगा आप लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग में किए होंगे, डाउन द ग्रुप किसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है? हाँ, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब थैलियम का जो प्लस वन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है थैलियम के प्लस थ्री स्टेट से। ठीक है ना, थैलियम के प्लस वन स्टेट ज्यादा स्टेबल है जबकि एल्यूमिनियम का प्लस, बाकी सबके प्लस थ्री स्टेट ज्यादा स्टेबल है लेकिन थैलियम का प्लस वन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। इसको कौन से इफेक्ट बोलते हैं? दिस इज इनर्ट पैरेंट। ये भी आप लोग की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, दिस इज इनर्ट पैरेंट। तो M प्लस आयंस बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा नीचे में हो जाती है। अच्छा, इसके कुछ पार्ट, जैसे इसके बारे में कुछ चीजें मालूम है इंपॉर्टेंट वाले, जैसे कुछ बता रहा हूं इसमें, अच्छा जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थैलियम आयोडाइड TiO3, ये बेसिकली इट इज व्हाट, तो इसमें याद रखना, दिस इज नॉट, दिस इज बेसिकली TL प्लस वन एंड I3 माइनस, दिस इज नॉट TL प्लस थ्री एंड I माइनस, ठीक है, TL I3 इज TL प्लस वन एंड I3 माइनस है ये, ठीक है। अच्छा, ये I3 माइनस कहाँ कहाँ, I3 कहीं देखे हो? I3 इसमें भी है, I3 बता दे रहा हूँ, KI प्लस I2 डालते हैं ना तो KI3 बनता है। I3 माइनस का शेप मालूम है ना? लीनियर। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थैलियम आयोडाइड में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो बहुत लोगों को लगता है I देकर के माइनस वन, तो प्लस थ्री, प्लस थ्री नहीं है, दिस इज थैलियम प्लस एंड I3 माइनस, और I3 माइनस लार्ज एनायन है, देयरफॉर स्टेबलाइज्ड बाय
लार्ज कटायन लाइक Cl प्लस. अच्छा इसी में यहीं पर एक और देख लो क्वेश्चन और भी आता है, जैसे CsBr प्लस Br2 भी एक क्वेश्चन आता है, ये बनता है. इसमें पूछता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पर व्हाट आर एक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दिस इज Cs प्लस एंड Br3 माइनस. दिस ऐसा मत देख लेना कि ब्रोमाइड है ये वाला क्या बोलते हैं और Br पे माइनस वन है तो Cs प्लस थ्री हो जाएगा. ये भी एक इसी में क्वेश्चन ऐड कर लो बस, मतलब कहाँ कहाँ बनता है. ठीक है, तो थैलियम आयोडाइड ये वाला. अच्छा थैलियम के प्लस थ्री कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कि क्या होंगे बताओ. थैलियम प्लस थ्री कंपाउंड्स किस में जाना चाहेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन होंगे ना. लोअर ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब खुद क्या होना चाहेंगे, खुद होना चाहेंगे रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज. तो थैलियम प्लस थ्री कंपाउंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग. ये सब केमिकल बॉन्डिंग में इनर्ट पर इफेक्ट में और भी हैं, कॉपी कर लो जल्दी. सर ये CsBr plus Br2 में क्या हुआ, मैं समझ नहीं आया क्या हुआ बोलो. नहीं नहीं ये कुछ अलग से मैंने एक पॉइंट बताया कहां कहां पर ये ब्रोमाइड आयन सब Br- नहीं बट ट्राइब्रोमो वाला बनता है, बस एग्जांपल दिया है. मतलब ऐसे ही याद आया सोचा यहां पर ऐड कर दूं, जैसे Ca plus Hc- माइनस में भी Ca प्लस और I3 माइनस है, CsBr3 में भी Cs प्लस और Br3 माइनस है, थैलियम I3 में भी Pl प्लस थ्री और I माइनस, सॉरी Pl प्लस वन और I3 माइनस. नोट कर लिया सब लोग. ठीक है इसमें एक और डिसेप्टिव थोड़ा रहता है क्वेश्चन, GaCl2 पूछता है. GaCl2 अब GaCl2 अगर एग्जिस्ट करता है तो लगता है कि Ga प्लस टू स्टेट में है, बट ये जितने भी हैं वो प्लस थ्री और प्लस वन ही शो कर सकते हैं, तो GaCl2 भी थोड़ा डिसेप्टिव है. GaCl2 इज एक्चुअली Ga प्लस एंड GaCl4 माइनस. मतलब गैलियम कौन से स्टेट में है यहां पर, प्लस वन और प्लस थ्री में है, समझा. तो ये भी डिसेप्टिव है, दिस इज नॉट प्लस टू. हाँ बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम वाले ग्रुप में ये भी एक थोड़ा डिसेप्टिव चीज पूछ देता है कभी कभी कि GaCl2 में व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऐसा मत देख लेना कि Ga प्लस टू स्टेट में है, वो नहीं है. पूरे में कम से कम प्लस थ्री प्लस वन ही है जनरली, है ना. अब बोरॉन से प्लस थ्री बनाता है, एल्यूमिनियम की भी टेंडेंसी प्लस थ्री की ही है, लेकिन प्लस थ्री प्लस वन ही बनाते हैं, प्लस टू वाला नहीं एग्जिस्ट करता है. तो ये GaCl2 इज एक्चुअली Ga प्लस एंड GaCl4 माइनस, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया है. ठीक है अंदर वाले का प्लस थ्री है ना. हाँ तो वही तो हो गया ना, प्लस वन और प्लस थ्री, अंदर वाले का प्लस थ्री और बाहर वाले का प्लस वन. ठीक है तो ये भी थोड़ा डिसेप्टिव है, अच्छे क्वेश्चन पूछ जाता है थैलियम आयोडाइड वाला क्या है. ठीक है
अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज लिख लो, इसमें एक और चीज, इसमें एक और चीज लिख लो, इसमें और लिख लो, बी प्लस थ्री टाइप का आयन डज नॉट एग्जिस्ट इज सोल्यूशन। क्या रीजन होगा बताओ? एक्वा सॉल्यूशन में बी प्लस थ्री क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्या रीजन होगा? बोरॉन पर पोलराइजिंग, हाँ बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है ना, तो पानी को खींच करके कुछ बॉन्डिंग ही बना लेगा। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हाई पोलराइजिंग पावर है तो बी प्लस थ्री आयन नहीं, एन ए प्लस एग्जिस्ट करता है पानी में, उसका पुलिंग पावर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बी प्लस थ्री नहीं करता है। सिमिलरली बीई टू प्लस, याद आ रहा है ये पॉइंट वहां पर जो दो कॉमन पॉइंट है, बीई टू प्लस भी किस फॉर्म में रहता है, एक्वस में बेसिकली कैसे रहता है, इसका भी हाई पोलराइजिंग पावर होता है, बीई एच टू ओ फोर टू प्लस में रहता है कॉम्प्लेक्सेस बना करके। सिमिलरली वही सेम काम है, बेरिलियम में बताए थे वहां पर भी, बेरिलियम के भी जो प्लस टू सॉल्ट्स है ना एक्वस में, बहुत हाई पोलराइजिंग पावर है। जैसे तुमको बेसिकली BeCl2.4 H2O बेसिकली दिस इज ये हम लोग वहां पर किए हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये है, और सिमिलरली बी प्लस सी नाम का आयन नहीं एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी किसकी होगी? कैडमियम, बोरॉन। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर बोरॉन का, ठीक है। इनफैक्ट इसमें सभी बनाते हैं, लिख लो इसमें, नोट कर लो जल्दी।
अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा अगर देखा जाए डेटा याद मत रखना, बस दे रहा हूं कुछ चीजें समझाने के लिए। अच्छा पहला वाला बताओ, सबसे ज्यादा प्लस थ्री में जाने का टेंडेंसी किसका है? बोरॉन। ठीक है, ये डेटा नोट करिए। थैलियम का टेंडेंसी क्या है? दिख ही रहा है। प्लसी में जाने का टेंडेंसी क्या है? बहुत ही कम है। तो बोरॉन के नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखा है क्या? हाँ बोरॉन के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका बता रहा हूं। देख लो माइनस 0.87 है इसका। एल्युमिनियम का कितना दिया होगा? 1.66, 0.56, 0.34 और माइनस 1.26। नोट करो फिर आगे जा रहा हूं। नोट कर लिया? हाँ सर। सर एक मिनट सर। अरे बताओ कौन सा वैल्यू था बताओ। इंडियम एल्युमिनियम 1.66, गैलियम 0.56, इंडियम का प्लस 0.34 और थैलियम का माइनस 1.26। सर इंडियम का भी नेगेटिव होना चाहिए ना उसमें? नहीं इंडियम का भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है सॉल्यूशन में। सबका प्लस थ्री स्टेट इसलिए पता चलता है ना, थैलियम का प्लस वन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना, लेकिन बाकी सबके प्लस थ्री स्टेट ज्यादा स्टेबल है। सर इंडियम का भी तो प्लस वन ही था। नहीं 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 इंडियम का प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होता है प्लस वन से। ये बोला जाता है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी प्लस वन बनाने की बढ़ जाती है, तो थैलियम तक आते आते एकदम प्रिडोमिनेंट हो जाता है, थैलियम का प्लस वन ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसका भी प्लस 0.34 है। और बोरॉन का इसलिए नहीं दिया होगा बिकॉज एक्वा सोल्यूशन में बी प्लस थ्री नाम का कोई चीज बनता ही नहीं है, तो इसीलिए उसका बोरॉन का वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। ये ठीक है। ये वाला हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना? चलो आगे अब इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, बोरॉन का एक्सट्रैक्शन पे चलते हैं। अच्छा बोरॉन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है अमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन। ठीक है, अच्छा तो एक्सट्रैक्शन से इसे देखो क्या है। सबसे पहले क्या है, Na2B4O7, ये आगे करोगे .10H2O। ठीक है, इसमें सबसे पहले एसिड डालते हैं, इसके रिएक्शन करोगे, बोरेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको H3BO3
बनाते हैं तो पहला रिएक्शन इसको बोलते हैं, याद है इसको पहले मैंने किया हुआ है, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, और इसको फिर गर्म करते हैं तो B2O3 आता है, और ये जो B2O3 है इसको फिर Mg या सोडियम या पोटेशियम से इसको फिर से रिड्यूस करते हैं तो बोरॉन प्लस MgO या फिर Na2O या K2O मिलता है। ये पहला तरीका है, और इस तरीके से जो बोरॉन मिला है हम लोग को दैट इज amorphous बोरॉन। और प्योरिटी भी है थोड़ा, मतलब इम्प्योर है ज्यादा, प्योरिटी लो है, और इस टाइप के बोरॉन को बोला जाता है मोइजॉन बोरॉन। ठीक है, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि amorphous बोरॉन को प्रिपेयर करने का मेथड, तो पहला मेथड तो ये amorphous बोरॉन को प्रिपेयर करने का मेथड समझा, पहले बोरैक्स लोगे, बोरैक्स से रिएक्शन आगे करेंगे, उससे B2O3 प्रिपेयर करोगे, और B2O3 को मैग्नीशियम से, सोडियम से या पोटेशियम से तुम क्या करोगे रिड्यूस करोगे तो बोरॉन मिलेगा, बट दिस बोरॉन इज नॉट क्रिस्टलाइन, दिस इज amorphous, और इसको मोइजन बोरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा प्योर बोरॉन का अगर प्रिपरेशन अगर देखा जाए कि प्योर बोरॉन के कौन कौन से प्रिपरेशंस हैं, तो प्योर बोरॉन के प्रिपरेशंस हैं BCl3 प्लस H2 ले लो, रिड्यूस कर दो बोरॉन प्लस HCl, प्योर बोरॉन। एक है Bi3 को उठाओ और गर्म कर, सीधा गर्म कर दो, जो भी लैटिस है amorphous में बहुत ही रैंडम अरेंजमेंट है, सो दीज आर सॉलिड स्टेट टर्म्स, हम लोग सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है तो उसको मैं अभी के लिए ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इसको बोलाता है वैन आर्कल मेथड, नाम याद रखना। ठीक है, दिस इज वैन आर्कल मेथड, इससे कौन सा मिलता है प्योर बोरॉन, प्योर बोरॉन क्रिस्टलाइन वाला ऑप्टेन करने के तरीके। ठीक है, यहां पर टंगस्टन भी लेते हैं, रेड हॉट टंगस्टन। ठीक है, तीसरा तरीका है B2S6 को उठाओ गर्म कर दो, B2S6 का नाम मालूम है ना, डाइबोरेन। एक है BCl3 प्लस जिंक, ये नोट करिए जल्दी। सर ये सारे क्रिस्टलाइन है ना? हाँ ये सारे, ये और ऊपर वाला जो प्रिपरेशन है वो amorphous का है, तो पूछ जाता है कभी कभी। ठीक है, amorphous को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और क्रिस्टलाइन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सर वो Na4 वो सब amorphous के लिए एक ही बताया, amorphous Na2B4O7 मतलब amorphous। नोट कर लिया, यहां लिखे ना amorphous form is more reactive than crystalline।
चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट और भी है, इसको भी याद रखना, जिसमें बोरॉन पाया जाता है उसमें एक इंपॉर्टेंट और, वैसे तो एक बोरैक्स बताई दिए Na2B4O7.10H2O, इससे याद है, इसको गर्म करके अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया, एक्सट्रैक्ट किया है, तो दिस इज बोरैक्स बोलते हैं इसको। और एक और याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा भी, इसको कॉलमनाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग इस पे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इस वाले पे, बोरॉन का तो काम हो गया। ठीक है, अच्छा पहले तो रिएक्शन विथ एयर, इम्प्योर बोरॉन जो है, इम्प्योर बोरॉन वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, B2O3 बोरॉन इम्प्योर वाला बनाता है, ठीक है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर तो देना ही पड़ता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ क्या है मालूम है? एल्यूमिनियम हैज गॉट वेरी हाई एफिनिटी, याद रखना, Al2O3, और इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन का को डेटा तुम लोगों को डेल्टा एच का देता हूं, हाँ, जिसका डेल्टा एच है -1670, ठीक है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है, इनफैक्ट बहुत सारे जगह यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन में, वेल्डिंग में यूज होता है ना सर, हाँ वेल्डिंग में, Al2O3 प्लस Mn बनाता है, बहुत हाईली रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस Cr2O3, Al2O3 प्लस क्रोमियम बनाता है, वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, गैलियम एंड इंडियम नॉट अफेक्टेड बाय एयर, थैलियम फॉर्म्स एन ऑक्साइड, मतलब थैलियम थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, कॉपी करिए। अच्छा एल्यूमिनियम भी एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है,
आयन में कैसे लिख लेना ऑक्साइड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन. एल्यूमिनियम के नीचे ठीक है. नोट कर लिया सब लोग. तो एयर के साथ क्या है इम्प्योर बोरॉन मतलब थोड़ा सा एमॉर्फस वाला फिर भी थोड़ा रिएक्शन करके 700 पे B2O3 बनाता है. एल्यूमिनियम तो बहुत हाई एफिनिटी है थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं हाईली एक्सोथर्मिक है वो भी एक ऑक्साइड बनाता है जिसको फर्दर रोक देता है. गैलियम और इंडियम का एयर के साथ ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है और थैलियम थोड़ा बहुत रिएक्टिव है और वो भी ऑक्साइड बनाता है. आगे बढ़ूं थर्माइट रिएक्शन में कुछ मैंगनीज का भी कुछ था ना. मैंगनीज वही ये एक्सट्रैक्शन में जो था ना मैंगनीज को खींच करके मैंगनीज बना दिया ना आपने ये रिएक्शन सब यूज होता है. आगे बढ़ूं चलो आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन विथ वाटर. बोरॉन पानी से या स्टीम से ऑर्डिनरी कंडीशंस में अफेक्टेड नहीं है. एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेता है. लेकिन एक ऑक्साइड लेयर तो बन जाता है. गैलियम एंड इंडियम सब पहले वाले में रिएक्शन में एयर में अपने इम्प्योर बोरॉन क्यों बोला सिर्फ एयर के साथ. बिकॉज इम्प्योर बोरॉन ही ज्यादा रिएक्टिव है क्रिस्टलाइन के साथ तो रिएक्शन बहुत ही मुश्किल होता है. तो इम्प्योर मतलब अमॉर्फस हो गया. अमॉर्फस हाँ अमॉर्फस अमॉर्फस से ज्यादा रिएक्टिव. सर आपने जो पहले लाइन में लिखाया कि बोरोन नॉट अफेक्टेड वो सिर्फ इम्प्योर के लिए कि दोनों के लिए. नहीं दोनों के लिए जब मैं बोला दोनों के लिए. सर TLOH का NaOH और KOH से बेसिक स्ट्रेंथ भी सेम है. हाँ सेम ही थोड़ा TLOH जो है ना उसके प्रॉपर्टीज इन दोनों से सेम है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH. तो पानी के साथ ये बातें हो गई. ठीक है
चलो बोरॉन जो है फिर से थोड़ा इतना रिएक्शन नहीं करता है एसिड्स के साथ। ठीक है लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। डाइल्यूट एस्ट्रोसोल के साथ रिएक्शन नहीं करता, एचसीएल के साथ रिएक्शन नहीं है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। ठीक है आगे हम लोग रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। सर एचसीएल भी डाइल्यूट? एचसीएल का तो दोनों ही नहीं चलता है, H2SO4 थोड़ा बहुत फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कर देता है, लेकिन नाइट्रिक तो कर ही देता है। ठीक है हाँ एल्यूमिनियम क्या करता है? अब बाकी सब तो रिएक्शन करते हैं, जैसे Al प्लस HCl देगा, कॉपी करो। तो बट थैलियम तो प्लस वन होना चाहिए ना? कौन सा? थैलियम प्लस वन होना चाहिए ना? प्लस थ्री कैसे? यहाँ पर थैलियम सल्फेट ही बना रहा है प्लस थ्री वाला। प्लस वन तो ऐसे भी नहीं ना, सल्फेट के साथ तो माइनस टू ही बनेगा ना। सर आपने क्या बोला? प्लस थ्री वाला ही वहां पर, मतलब बेसिकली एयर के साथ क्या है कि एयर के साथ पानी के साथ क्या लिखे हम लोग कि स्टीम, और उसके साथ तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस करता नहीं है। कोल्ड वाटर के साथ एल्यूमिनियम कर लेता है, ऑक्साइड बनाता है। एसिड्स में बोरॉन डाइल्यूट के साथ नहीं करता है, लेकिन HNO3 के साथ रिएक्शन है, बाकी सब तो कर जाते हैं रिएक्शन। आगे बढ़ूं? हो गया। अच्छा ये मालूम ही होगा एल्यूमिनियम एंड इसी पॉइंट के अंदर ही है, ठीक है ना? एल्यूमिनियम एंड गैलियम बिकम पैसिव, ये मालूम है ना?
मालूम है ना, एल्यूमिनियम को अगर रिएक्शन करते हैं तो थोड़ा किसी भी ऑक्साइड बनाता है तो धीरे धीरे वो उसको रोक देता है। ठीक है, वो भी मालूम होगा। Become passive, ठीक है? ये बहुत ही की हो गए, becomes passive in concentrated HNO3, तो उसको further reaction से रोक देता है, ठीक है? मतलब वो इसलिए नहीं कर पाता है, ऐसे तो करना चाहिए बट वो उसको ऑक्साइड रोक देता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ फिर भी कर लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बोरॉन के साथ याद रखना एकदम फ्यूज्ड NaOH, फ्यूज मस्त मारो ना, बहुत हाई टेम्परेचर्स, तो फिर ये रिएक्शन करता है। और एल्यूमिनियम और गैलियम एकदम फ्यूज्ड फॉर्म NaOH, पानी के बिना मोल्टेन। जबकि एल्यूमिनियम जो है ये सब रिएक्शन कर लेता है, एल्यूमिनियम भी गैलियम भी। बेसिकली M लिख लो, M प्लस NaOH प्लस H2 गिव्स यू NaMO2। नोट कर लो, आगे बढ़ो। एक मिनट सर। तुम लोग अपना पेपर एनालाइज कर लिए ना? चलो आंसर की नहीं आया अभी तक, आई थिंक नहीं आया। अच्छा, आंसर क्या आने दे, फिर एनालाइज करना, कोई डाउट हो तो मिल गया सर आंसर की। हाँ देखना एक बार, और कहीं अगर डाउट हो तो पूछना नेक्स्ट क्लास। यस सर।
पेपर में देखा नहीं है, बट पता नहीं कैसा है इसलिए मालूम नहीं है। इंटीजर कोई पेपर भी डाल देना यार मुझे। हाँ मुझे एक बार कोई मैसेज कर देना तो पेपर, अगर मैं देख कर एक बार देख लूँ कैसा है तुम लोग का कैसा है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो आए होंगे जो इंटीजर टाइप, मतलब वैक्सीन तो आए होंगे ना रिएक्शन जो चल रहे हैं। इंटीजर टाइप थोड़ा टफ था क्योंकि वो ठीक है, तो इंटीजर टाइप में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कराना है। ठीक इंटीजर टाइप थोड़ा, इसका मतलब इंटीजर टाइप रिएक्शंस एक साथ करने थे ना तो उसमें एरर का चांस बहुत हो गया। ओके ओके, मतलब रिएक्शंस लेकिन देखे तो हो ही हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा याद रखो जो एमसीक्यू थे नॉर्मल वो तो हो गए काफी सारे, पर देन इंटीजर टाइप में मुश्किल है। ओके इंटर टाइप मुझे भेजना एक बार तो कैसा इंटर टाइप आया था, मतलब एक बार आइडिया लूं तो तुम लोग कहां पर फंस रहे हो तो फिर उस हिसाब से बताऊंगा। हां सर है ना, भेजना। चलो ये नोट कर लिया सब लोग? हां सर हो गया। बोरॉन थोड़ा अच्छे से इस फैमिली को करना, ठीक है? ये फैमिली थोड़ा ज्यादा पूछता ही आईटी, इससे क्वेश्चन आएगा तो इसको रटना ही, जितना इसको समझ पाओ उतना, और मैं भी जितना इंफॉर्मेशन होगा मैक्सिमम इसमें दे दूंगा। अच्छा इसके नॉन मेटल्स के साथ ये सब हम लोग रिएक्शन करता है, बोरॉन नाइट्राइड बनाता है, बोरॉन कार्बन के साथ B4C बनाता है, सब हम लोग करने वाले हैं। इसको B12C3 भी बोला जाता है। ये सब एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ मालूम ही है, ठीक है? एल्यूमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस करोगे मीथेन गैस मिलेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को करोगे तो मिलेगा। तो B12C3 लिखा है। हाँ B12C3 लिखा है। ये सब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर सर है, तो ये सब थोड़ा अलग टाइप का है। अच्छा हाँ, इनके थोड़े ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात कर ली सर। इनके स्ट्रक्चर्स याद नहीं रखते हैं पॉलीमर्स के? नहीं नहीं नहीं, वो इसका के स्ट्रक्चर जहां होगा मैं बता दूंगा, जिसके याद रखने हैं ना वो मैं बता दूंगा, जैसे इन सब का नहीं याद रखना, तो जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें बता दूंगा। वैसा ही स्ट्रक्चर है वैसे बेसिक बेरिलियम एसीटेट, मतलब सोचो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सब तो और कॉम्प्लेक्स हो गए, 12 बोरॉन, तो ये सब पूछेगा नहीं। अच्छा इसके बारे में बोरॉन के ऑक्साइड्स क्या हैं? नॉन मेटल है तो बोरॉन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक, ठीक है? अच्छा एल्यूमिनियम गैलियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स को क्या है? एम्फोटेरिक, ठीक है? और इंडियम थैलियम के बेसिक, Al2O3 का तो रिएक्शन लिख ही लो, एम्फोटेरिक वाला। Al2O3 जो है वो तो एम्फोटेरिक, मतलब क्या है, दोनों में डिसॉल्व करेगा, बेस में भी एसिड में भी। और हम लोग हाइड्रोबोरिक एसिड पर आएंगे ही, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक लाइन लिखा दे रहा हूं, इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, ठीक है? तो सिंपल है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी, गैलियम एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक हैं, बोरॉन का नॉन मेटालिक है तो एसिडिक ही है, बाकी के बेसिक हैं।
अच्छा B2O3 का ऑक्साइड को, ठीक है B2O3 का ऑक्साइड, B2O3 आगे भी सब करेंगे हम लोग। ये बाद में आएगा, ही कॉपी कर ले तो बोलो। तो B2O3 अपने मिटा के दिया, हाँ वो आगे आएगा, इसीलिए मतलब उसको क्या कंफ्यूज हो जाए। B2O3 बताओ ऑक्साइड है, सबके ऑक्साइड्स क्या होंगे, L2O3, B2O3, Ga2O3, ऐसे लिखो। ऑक्साइड जनरली कौन सा फॉर्म किया, सब लिख लो, ऐसे लिख लो ऑक्साइड्स M2O3, और हाइड्रोक्साइड्स कौन से फॉर्म का, हाँ ये तो ठीक ही आया था एकदम, रिएक्शन सब तो बहुत सारा किए ही पे हो। इंटीरियर टाइप थोड़े तुम लोग को प्रैक्टिस करने, तो मेरे को आंसर की मिली नहीं आशा, जिसको मिली है वो भेज सकता है ग्रुप पे प्लीज। हाँ हाँ भेज देना तो एक बार, या मुझे बता देना मैं तुमको भेज दूंगा इसका तो आंसर दिया हो इसमें, अभी आया है तो मुझे दे देना, मैं मैसेज कर देना, मैं तुमको मैसेज कर दूंगा। ठीक था पेपर, हाँ इंटीरियर टाइप थोड़ा बोल रहे हो बट बाकी सब तो क्लास में हुआ ही था, अगर किए होगे सही से तो हो गया होगा। नोट कर लिया ना, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टार्ट अब नेक्स्ट क्लास यहीं से करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं राइट्स के बारे में। इनके ट्राई हैलाइड्स कौन है, MX3, ठीक है इनका ट्राई हैलाइड्स है। ये मैंने अभी जस्ट बताया थैलियम थ्री आयोडाइड इज नॉट नोन, ये हम लोग को नहीं है ना बताया था ना अभी जस्ट, टी एल आई थ्री है तो दैट इज नॉट टी एल प्लस थ्री, दैट इज टी एल प्लस वन, ठीक है। थैलियम थ्री का नहीं मिलता है, ठीक है थैलियम वन आयोडाइड स्टेबल है। अच्छा बोरॉन का
मोल बोरॉन विथ हाई चार्ज डेंसिटी, इंट्रोड्यूसेस कौन सा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्लोराइड्स, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम के जो फ्लोराइड्स हैं, ठीक है, वो आयनिक हैं। ठीक है, जैसे AlF3 आयनिक है, फ्लोराइड्स बोल रहा हूं, ठीक है, और अदर हैलाइड्स जो हैं वो थोड़े कोवेलेंट हैं व्हेन एनहाइड्रस, मतलब एनहाइड्रस फॉर्म में कोवेलेंट है। चलो अब इसको यहीं पर ये करते हैं, लंबा चलेगा ये वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम मुझे यहां से बता देना ये BX3, सबसे पहले हर हैलाइड को डील करेंगे, पहले बोरॉन के हैलाइड्स को BX3 यहां से नेक्स्ट क्लास डील करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, कोई डाउट बोलो।